तो हम कैलकुलेट करते हैं अब कि मैक्सिमा और मिनिमा की लोकेशन कौन कौन सी होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा, लोकेशन ऑफ मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक, तो हमारे पास इंटेंसिटी का फॉर्मूला आया था, रिजल्टेंट इंटेंसिटी एट जनरल पॉइंट एट एंगल थीटा इज इक्वल टू, कितना आया था आपके पास, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर। और यहां पे बीटा की जो वैल्यू थी, हेयर बीटा इज इक्वल टू पाई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, ये वैल्यू आपके पास आई थी। अब हम जानते हैं कि जब मैक्सिमा होता है तो इंटेंसिटी जो है वो मैक्सिमम हो जाती है। अब आप इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू आप सोच के देखिए, ये एक एक्सप्रेशन है आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा अपॉन बीटा स्क्वायर, इसकी मैक्सिमम वैल्यू ही आई नॉट के बराबर है। तो यहां पे हम लिख सकते हैं इट्स क्लियरली सीन कि मैक्सिमम वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन की, यहां पे ऐसे लिखो पूरा वर्ड में, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी, मैक्स वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट इंटेंसिटी इज आई नॉट। तो आप इस रिलेशन को सॉल्व कर लीजिए कि कौन कौन सी बीटा की वैल्यूज के लिए हमें वैल्यू आई नॉट मिलने वाली है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं, एक तो पोजीशन आती है सेंट्रल मैक्सिमा की, सेंट्रल मैक्सिमा एट थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। थीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री जब हो जाता है, थीटा जीरो में यहाँ पे आपको विजुलाइज कराता हूँ कि ये आपके पास ये स्लिट है, ये एंगल था थीटा, पॉइंट था पी। तो पॉइंट पी के लिए हमें फॉर्मूला पता है, थीटा की वैल्यू जीरो कर देंगे तो आपको मिल जाएगा पॉइंट ओ। इस पॉइंट ओ पर हम कैलकुलेट कर रहे हैं, तो थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो आपको मिलेगा बीटा इज इक्वल टू जीरो डिग्री। थीटा की वैल्यू जीरो पुट करेंगे तो भाई साइन जीरो कितना हो जाएगा, जीरो। तो पूरा एक्सप्रेशन कितना हो जाएगा, जीरो। अब ये बीटा की वैल्यू जीरो जो है आप यहां पे पुट करिए, तो साइन स्क्वायर बीटा ये जीरो, बीटा जीरो, जीरो अपॉन जीरो फॉर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, लिमिट्स लगा के। तो आप जानते हैं कि इसकी वैल्यू जो है इस एक्सप्रेशन की वन होती है। एल लॉपिटल जो है रूल आप यहाँ पे लगा दीजिए, इसको ऊपर वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए, नीचे वाले को डिफरेंशिएट कर दीजिए। साइन स्क्वायर बीटा को डिफरेंशिएट करेंगे, टू साइन बीटा कॉस बीटा आएगा, नीचे वाले को डिफरेंशिएट करेंगे तो टू बीटा आएगा, टू से टू कर जाएगा, ऊपर साइन बीटा कॉस बीटा, नीचे बचेगा आपके पास बीटा। एक बार और डिफरेंशिएट कर दीजिए, साइन बीटा कॉस बीटा को एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे और नीचे बीटा को डिफरेंशिएट करेंगे एक बार, तो आपको वन आंसर मिल जाएगा। तो बीटा इज इक्वल टू जीरो पर आपको मिल जाएगी इंटेंसिटी आई रिजल्टेंट इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू आई मैक्स। तो एक पॉइंट आपको मिलता है आई इज इक्वल टू जीरो पर, इसे सेंट्रल मैक्सिमा कहा जाता है। इस स्लिट के बिल्कुल सीध में इसके सामने जो ये पॉइंट है, यहां पर आपको मिलता है मैक्सिमा, यहां पे आपको मिलता है मैक्सिमा। ठीक, तो आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिल चुका है। यदि हम और भी आगे जो मैक्सिमा है, हायर ऑर्डर मैक्सिमा है, उनकी बात करें तो क्या करते हैं यहाँ पे कि ये एक्सप्रेशन जो है इंटेंसिटी का, ये इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन जो है इज अ फंक्शन ऑफ बीटा, और बीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा। बीटा की वैल्यू आप जानते ही हैं, पाई बी साइन थीटा बाय बी के बराबर होती है। तो थीटा की अलग अलग वैल्यू पे जो है इंटेंसिटी अलग अलग होगी, और थीटा इज अ फंक्शन ऑफ बीटा, या बीटा इज अ फंक्शन ऑफ थीटा, एंड इंटेंसिटी इज फंक्शन ऑफ बीटा। यहाँ तो इसको डिफरेंशिएट करके यदि जीरो के बराबर पुट कर दिया जाए, यानी मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट लगा दिया जाए, कि हम जानते हैं कि जब भी कोई कर्व जो है अपने मैक्सिमम पर पहुंचता है या मिनिमम पर पहुंचता है, तो उसके मैक्सिमम पॉइंट पर या मिनिमम पॉइंट पर जो टेंजेंट यदि बनाते हैं तो उसका स्लोप जीरो के बराबर आता है। तो इसका डिफरेंशिएशन जो है आप जीरो के बराबर पुट कर दें। तो यहाँ पे हम लिखें दूसरे वाले पॉइंट में, टू फाइंड अदर मैक्सिमा, या लिख सकते हैं फोर अदर मैक्सिमास, आगे के जो मैक्सिमास हैं उनके लिए क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इंटेंसिटी विद रिस्पेक्ट टू डी बीटा कर सकते हैं, और इसको जीरो के बराबर पुट कर सकते हैं। डी आई बाई डी बीटा जो है उसको जीरो के बराबर पुट कर देंगे, तो आपको जो सॉल्यूशन मिलता है वो मिलता है इस इक्वेशन का, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, ये इक्वेशन आपको यहाँ पे प्राप्त होती है। और इस इक्वेशन के यदि सॉल्यूशंस आप निकाल लेते हैं
तो वही जो सॉल्यूशंस हैं, वही जो बीटा की वैल्यूज हैं और बीटा के करस्पॉन्डिंग जो थीटा की वैल्यूज हैं, वही हमारा आंसर होता है। आंसर बहुत कॉम्प्लिकेटेड आता है तो याद रखने की ज़रूरत आपको नहीं है, बस आप ये समझ लें कि एक आपके पास इंटेंसिटी आई नॉट के करस्पॉन्डिंग एक मैक्सिमा होता है सेंटर पे, जिसको सेंट्रल मैक्सिमा कहते हैं, और उसके बाद हायर ऑर्डर मैक्सिमा जो हैं वो इनके सॉल्यूशन से हमें प्राप्त होता है। और यहाँ पे नोट करने की बात ये है, फॉर अदर मैक्सिमा टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा, एंड नोट दैट इंटेंसिटी एट मैक्सिमस अदर देन सेंट्रल मैक्सिमा, जो सेंट्रल मैक्सिमा के अलावा जो और भी मैक्सिमाज हैं उनकी इंटेंसिटी आई नॉट से काफ़ी ज़्यादा कम होती है। देयर इंटेंसिटी, यहाँ पे लिख दिया है ना, इंटेंसिटी इज वेरी वेरी लेस देन सेंट्रल मैक्सिमा। आप जानते हैं कि सॉल्यूशन निकालना जानते हैं, टेन बीटा इज इक्वल टू बीटा का, राइट, कि ग्राफिकल सॉल्यूशन होता है इसका, कि आप एक ग्राफ बना दीजिए टेन बीटा का, आप एक ग्राफ बनाएंगे टेन बीटा का लाइक दिस, और भी इसको बना सकते हैं, और भी इसकी ब्रांचेस बना सकते हैं लाइक दिस, और भी आगे यहाँ बना सकते हैं। अब एक लाइन बना दीजिए वाई इज इक्वल टू बीटा, तो यदि एक लाइन ऐसी आप बनाएंगे तो ये जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट इसके होने वाले हैं वही आपको मैक्सिमा की पोजीशन देने वाले हैं। तो इंटरसेक्शन पॉइंट निकालने से हम बता सकते हैं कि कौन कौन से इसके सॉल्यूशंस होंगे, और सॉल्यूशंस रियल होंगे यानी कि मैक्सिमा एग्जिस्ट करेगा। और मैं इंटेंसिटी के बारे में बताना चाहता हूँ कि इंटेंसिटी उन मैक्सिमास की बहुत ज़्यादा कम होती है एज़ कम्पेयर टू द सेंट्रल मैक्सिमा। सेंट्रल मैक्सिमा पे इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट के बराबर होती है, लेकिन फर्स्ट मैक्सिमा पे इंटेंसिटी 0.04 आई नॉट के बराबर होती है, और जैसे जैसे हम और आगे बढ़ते जाते हैं उनकी इंटेंसिटी और भी कम होती जाती है। यदि मैं ग्राफ बनाना चाहूँ इंटेंसिटी वर्सेस डिस्टेंस का, ग्राफिकल तरीके से यदि मैं आपको समझाऊँ मैक्सिमाज और मिनिमाज के बारे में, तो ये आपके पास ये आपका सेंट्रल मैक्सिमा है, सेंट्रल मैक्सिमा, और यहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो आई नॉट के बराबर है। उसके बाद ये नीचे जाता है, इंटेंसिटी ज़ीरो हो जाती है, और ये आपको पीक मिलता है, एक छोटा सा पीक आपको मिलता है, और यहाँ पे जो इंटेंसिटी है वो अप्रॉक्सीमेटली 0.04 आई नॉट के बराबर होती है, और उसके बाद जो है और छोटा हो जाता है, ये जो पीक है ये और छोटा हो जाता है, यहाँ पे 0.016 के बराबर इंटेंसिटी आपको मिलती है। लेकिन आपको इतना याद नहीं रखना है, आपको याद रखना है कि इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है, इसकी इंटेंसिटी काफ़ी कम होती है। ठीक बात, ये बात समझ में आ गई। तो ये मैक्सिमास की पोजीशंस हमें पता चल गई कि मैक्सिमा एक तो है हमें सेंट्रल पोजीशन पे मिलता है, और एक मिलता है आगे, समझ गए, एक मैक्सिमा मिनिमा, इस तरीके से अल्टरनेट मिलते हैं। ठीक, आगे मिनिमा, तो हम लिखेंगे पॉइंट्स वेयर इंटेंसिटी की जो वैल्यू है उसकी मिनिमम वैल्यू के बराबर है, और इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है एक्सप्रेशन की, जीरो के बराबर, क्योंकि आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा पॉन बीटा स्क्वायर है, तो साइन स्क्वायर बीटा पॉन बीटा स्क्वायर कभी भी निगेटिव नहीं हो सकता, बिकॉज ये स्क्वायर है, रियल नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव या जीरो आ सकता है, तो ये एक्सप्रेशन निगेटिव तो हो नहीं सकता है। तो निगेटिव के बाद छोटा नंबर कौन सा हुआ सबसे, जीरो के बराबर। तो जब रिजल्टेंट इंटेंसिटी की वैल्यू जीरो के बराबर हो जाती है, मिनिमम की वैल्यू बराबर हो जाती है, तो वो सारे जो पॉइंट्स होंगे वो कहलाएंगे मिनिमा कहलाएंगे। तो हम क्या करेंगे इसमें कि आई रिजल्टेंट की जो वैल्यू है वो कितनी है आपके पास, आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा डिवाइडेड बाय बीटा स्क्वायर, इसकी जो वैल्यू है कितनी होनी चाहिए, जीरो के बराबर होनी चाहिए। इसका मतलब हमें मिल जाता है बीटा की जो वैल्यू है वो एम पाई के बराबर है, फिर एम इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, ये सब वैल्यूज आपको मिल जाती हैं। तो आपकी लोकेशन यहाँ पे वैल्यू जो है आप पुट करते जाइए, बीटा की वैल्यू एम पाई के बराबर पुट करेंगे, तो बीटा कितना होता है आपके पास, पाई बी साइन थीटा, कितना होता है बेटा, पाई बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय लैम्डा, इसको आप पुट करेंगे एम पाई के बराबर, तो पाई से गया पाई और आपको मिलता है साइन थीटा इज इक्वल टू एम टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय बी।
तो आपको यहां से थीटा मिल जाता है, आपको थीटा मिल जाता है साइन इनवर्स ऑफ एम लैम्डा डिवाइडेड बाय बी, एम लैम्डा डिवाइडेड बाय बी, ये आपको लोकेशन मिल जाती है मिनिमास की, या आपकी यहाँ एम की जो वैल्यू है वो कितनी है 1, 2, 3 and 4 सो ऑन। तो यहाँ पे फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा, थर्ड मिनिमा आप क्लियरली कैलकुलेट कर सकते हैं, आप वैल्यूज निकाल सकते हैं। मैक्सिमा की वैल्यूज निकालना थोड़ा सा मुश्किल था बिकॉज इस इक्वेशन के सॉल्यूशन हमें याद तो एकदम रहते नहीं है साइन बीटा इज इक्वल टू बीटा के। तो यहाँ पे इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा एट थीटा इज इक्वल टू, एम की वैल्यू 1 पुट कर देंगे तो आपको मिलेगा साइन इनवर्स, एम की वैल्यू 1 लैम्डा बाय बी, साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी पर आपको मिलेगा फर्स्ट मिनिमा, सेकंड मिनिमा आपको मिलेगा सेकंड मिनिमा एट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स लैम्डा डिवाइडेड बाय बी। ऐसे ही आप थर्ड मिनिमा निकाल सकते हैं, थर्ड मिनिमा एट थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3 लैम्डा बाय बी। अब मैं आपको ये दिखाता हूँ कि इस पूरी स्क्रीन पर मैक्सिमा और मिनिमा जो हैं वो किस किस तरीके से लोकेटेड होते हैं। तो यहाँ पे स्क्रीन को यदि आप देखें, यदि ये आपके पास स्क्रीन है यहाँ पे साहब आपका ये है स्लिट प्लेन है, और इस स्लिट प्लेन में यहाँ पे है साहब आपका होल, ठीक, ये होल है। तो इस स्लिट के सामने, स्लिट के जस्ट सामने जो है जो पॉइंट होगा वहाँ पे आपको सेंट्रल मैक्सिमा मिलने वाला है, यहाँ पे मिलेगा आपको सेंट्रल मैक्सिमा, और जहाँ पे इंटेंसिटी जो है वो I नॉट के बराबर होने वाली है, सेंट्रल मैक्सिमा, थीटा की जो वैल्यू है 0 के बराबर है। इसके बाद आपको मिनिमा मिलना स्टार्ट होगा, यहाँ से जो है एक मिनिमा मिलेगा यहाँ पर आपको, फर्स्ट मिनिमा एट एन एंगल थीटा, यहाँ से यदि आप एंगल कैलकुलेट करेंगे, यहाँ से एंगल यदि कैलकुलेट करेंगे थीटा इज इक्वल टू आएगा आपके पास साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी, लैम्डा बाय बी, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ भी आपको सेम मिनिमा मिलने वाला है, यहाँ मिलेगा आपको फर्स्ट मिनिमा ऐसे, ये वाला एंगल भी कितना होगा सेम एंगल होगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी। अब हमें सेकंड मिनिमा के बारे में पता है कि सेकंड मिनिमा कहाँ पे होगा, तो सेकंड मिनिमा जो है वो कहीं यहाँ पर मिलने वाला है, और ये वाले एंगल की बात करें, इस रेफरेंस से एंगल की बात करें तो थीटा की वैल्यू होने वाली है साइन इनवर्स 2 लैम्डा बाय बी। ऐसे ही नीचे की तरफ आपको एक और मिनिमा मिलने वाला है, यहाँ पर मिलेगा आपको सेकेंड मिनिमा, और ये जो एंगल होने वाला है रेफरेंस से, इस रेफरेंस से जो एंगल होने वाला है वो होगा थीटा इज इक्वल टू साइन इनवर्स 2 टाइम्स लैम्डा बाय बी के बराबर ये एंगल होगा, ठीक है। तो ये सेकंड मिनिमा हो गया। तो हम बता सकते हैं कि अल्टरनेट मिलते हैं हमको मैक्सिमा और मिनिमा, तो फर्स्ट सेंट्रल मैक्सिमा और फर्स्ट मिनिमा के बीच में हमें एक मैक्सिमा मिल रहा होगा, एक मैक्सिमा हमको, अच्छा मैक्सिमा मिनिमा हो गया यहाँ पे, नहीं सॉरी, मैक्सिमा मिनिमा तो हो ही गए, इसके बाद मिनिमा मिनिमा के बीच में एक मैक्सिमा हमें यहाँ पर मिल रहा होगा, ये होगा आपका फर्स्ट मैक्सिमा, कहीं यहाँ बिल्कुल बीच में नहीं होगा, बस इनके बीच में होगा बट एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे नहीं होगा, ऐसे यहाँ पर आपको मिलने वाला है आपका फर्स्ट मैक्सिमा। तो मिनिमा की पोजीशंस आपको इस डायफ्रेक्शन में सिंगल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपको याद रखनी है, मैक्सिमा की पोजीशन आपको सेंट्रल वाली याद रखनी है कि सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन कितनी होती है, ठीक है साहब। और एक बात और याद रखें कि सेंट्रल मैक्सिमा की जो विड्थ है वो कितनी होती है, सेंट्रल मैक्सिमा की विड्थ आपको देखनी है कितनी होती है, तो ये जो है पूरा सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ से लेके यहाँ तक फैला होता है, ठीक, ये वाला जो सेंट्रल मैक्सिमा है यहाँ से यहाँ तक फैला होता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पूरा एंगल है वो आपको कैलकुलेट करना होता है। तो यहाँ पे हम लिखें कि एंगुलर विड्थ ऑफ सेंट्रल मैक्सिमा वो होता है आपके पास 2 थीटा के बराबर, तो जाएगा आपके पास 2 टाइम्स साइन इनवर्स लैम्डा बाय बी, ये रिलेशन होता है। बी याद रखें, बी उस सिंगल स्लिट का विड्थ है, बी इज द विड्थ ऑफ दैट सिंगल स्लिट, लैम्डा जो है जिस वेवलेंथ का इस्तेमाल किया है वो लैम्डा है। तो ये हुआ आपका डायफ्रेक्शन, ठीक। अब हम पढ़ते हैं कि डायफ्रेक्शन
और इंटरफेरेंस में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे डिफरेंस बिटवीन डायफ्रेक्शन एंड इंटरफेरेंस। और तो डिफरेंस लिखने के लिए हम टेबल बना लेते हैं। यहां पे एक आपके पास यहां पे डायफ्रेक्शन है और दूसरी तरफ है आपके पास इंटरफेरेंस, ठीक। तो यहां पे चार डिफरेंसेस जो हैं हम लिखने वाले हैं, चार डिफरेंसेस लिखेंगे इनके बीच में। तो यहां पे हम देखने वाले हैं कि डिफ्रेक्शन और इंटरफेरेंस के बीच में क्या क्या अंतर होते हैं। तो इसमें सबसे पहला अंतर जो है, सबसे पहला डिफरेंस जो है इनमें, वो ये है कि मैक्सिमास और मिनिमास की जो इंटेंसिटी होती है, मैक्सिमास की बात करें तो हर अलग अलग मैक्सिमास की जो इंटेंसिटी है वो अलग अलग होती है डायफ्रेक्शन में, और इंटरफेरेंस में जो मैक्सिमास बनते हैं उन सब की इंटेंसिटी जो है एक समान होती है। तो यहां पे मैं लिखूंगा इंटेंसिटीज ऑफ मैक्सिमा, इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमास, मैक्सिमास का मतलब जितने भी मैक्सिमा बन रहे हैं आर नॉट इक्वल, लेकिन इंटरफेरेंस में जितने भी आपके पास मैक्सिमास बनते हैं उन सबकी इंटेंसिटी एक बराबर होती है। इंटेंसिटी ऑफ मैक्सिमास आर इक्वल या सेम। उसके बाद नंबर टू, सेकंड पॉइंट इसमें यह है कि मैक्सिमास के बीच का जो सेपरेशन है वो कांस्टेंट नहीं होता है, लेकिन यहां पर जितने भी मैक्सिमास होते हैं वो इक्वल डिस्टेंस पर जो है मिलते हैं हमें। तो सेकंड पॉइंट यहां पे हम लिखेंगे कि सेपरेशन बिटवीन या डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमास आर नॉट सेम, लेकिन यहां पे इंटरफेरेंस की जब बात करते हैं तो मैक्सिमास जो हैं वो इक्वल सेपरेशन पर होते हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे कि डिस्टेंस बिटवीन मैक्सिमास इज कांस्टेंट। जो मैक्सिमा के लिए बात हो रही है वही मिनिमा के लिए बात भी है। उसके बाद यहां पे चलते हैं नेक्स्ट, इसका पॉइंट नंबर थ्री है जो एक तरीके से फंडामेंटल डिफरेंस है इनके बीच में, कि इंटरफेरेंस पैटर्न बनाने के लिए हमें दो कोहेरेंट सोर्स की ज़रूरत होती है। आपने देखा था कि वहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्स जो थे S1 और S2 थे, जो स्लिट्स थे, तो दो कोहेरेंट सोर्सेस से हम बना सकते हैं क्या इंटरफेरेंस पैटर्न, लेकिन डायफ्रेक्शन पैटर्न बनाने के लिए हमको सेकेंडरी वेवलेट्स, वो भी बहुत सारे सेकेंडरी वेवलेट्स की ज़रूरत पड़ती है। तो या फिर यहाँ पर लिखेंगे कि इंटरफेरेंस पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ टू कोहेरेंट सोर्सेस के सुपरपोजिशन से आपको मिलता है इंटरफेरेंस पैटर्न। और यदि हम डिफ्रेक्शन पैटर्न की बात करें, डिफ्रेक्शन या डायफ्रेक्शन कुछ भी बोल सकते हैं, डायफ्रेक्शन पैटर्न इज फॉर्म्ड बाय सुपरपोजिशन ऑफ मल्टीपल सेकेंडरी वेवलेट्स। तो ये तीन यहां पे की डिफरेंसेस हैं और वैसे कोई और डिफरेंस नहीं है। यहां पर भी लाइट का, वेव का इंटरफेरेंस हो रहा था और यहां पर भी वेव का इंटरफेरेंस हो रहा है, सुपरपोजिशन हो रहा है दोनों केसेस में। तो ये तीन डिफरेंसेस हमने यहां पे देख लिए, आप इनको याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं पोलराइजेशन की तरफ। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे पोलराइजेशन।